महम सरकारी चीनी मिल के 29वें पिराई सत्र का शुभारंभ प्रबंध निदेशक शुगर फेड हरियाणा आरएस वर्मा ने किया। इस अवसर पर शमशेर सिंह खरकड़ा सदस्य भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। शुगर मिल के प्रबंध निदेशक ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष किसानों के लिए एडवांस कैलेंडरिंग की सुविधा लागू करके किसानों को उनके मोबाइल पर पर्ची की सुविधा SMS दी जाएगी, ताकि किसान लेबर का उचित प्रबंध करके समय पर गन्ने की कटाई छिलाई करवाकर गन्ना मिल में डाल सकें। श्री वर्मा मुख्य अतिथि ने बताया कि आज हमारा पिराई सीजन 2018 चालू हो गया है, जिसमें रोहतक, जींद, महम, पलवल, करनाल सभी जगह पिराई मिल का शुभारंभ कर दिया गया है। शुगर मिल के कर्मचारियों के साथ संशोधित वेतन का बकाया एरियर देने व दैनिक वेतन भोगियों को पक्का करने पर भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके सरकार से बातचीत कर शीघ्र समाधान करवा दिया जाएगा। शमशेर सिंह खरकड़ा सदस्य भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी ने बताया कि बहुत ही शानदार तरीके से मिल को अगले साल के लिए दुल्हन की तरह सजा कर तैयार किया है, जिसकी महम 24 वासियों को पूरी उम्मीद है। पिछले साल से भी बेहतरीन यह मिल चलेगा और उससे भी ज्यादा गन्ना रिकवरी होगी। चीनी मिल के प्रबंधक निदेशक वेद प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि मिल में तकनीकी संशोधन किया गया है और इस सत्र में कम से कम ब्रेकडाउन होगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 40 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर पिछले वर्ष अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारी को प्रशंसा पत्र व उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। की शुरुआत हुई है तो कुछ संकल्प लिए गए हैं, कुछ कर्मचारियों के लिए कुछ बेनिफिट्स की बात भी सामने आई है, तो किस तरह की क्या क्या घोषणाएं हैं? ये जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, हमारा जो हिंदुस्तान की ही नहीं दुनिया की शुगर इंडस्ट्री है वो घाटे के साथ चलती है, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे जितने भी मिल्स हैं आज हमारा रोहतक, मैम, जींद और करनाल और पलवल सभी जगह इन मिल्स को हमने आज पिराई सीजन 2018-19 का शुरुआत किया है। तो ये है, इस साल के लिए कम से कम हम 10% इसको आप ले जाएंगे, 10% घाटे में कंटेन करेंगे। और यहाँ जो डिमांड्स हमारी इनकी कुछ फार्मर्स की थी तो वो ऑलरेडी हमारी इम्प्लीमेंटेड है, कुछ एक आधी जो चीज़ है वो हम शीघ्र ही इसका समाधान कर देंगे। कुछ हमारे कर्मचारियों की जो डिमांड है, जैसे कि आपका इन्होंने वेतन की बताई, वो आप सरकार के अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है, शीघ्र ही उसको हम पूरा करने का। ये कर्मचारी कच्चे कर्मचारी होंगे, बहुत काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है ये मांग, तो पिछली सरकार भी नहीं कर पाई, तो उसमें क्या क्या चल रहा है आजकल? अभी ये बहुत हमारे शुगर मिल्स के जो लगभग 250 कर्मचारी हैं ये, तो इसको अभी विचाराधीन है ये मामला सरकार के, और जो सरकार की नीति है उसके अंतर्गत इसका शीघ्र ही निर्णय लेंगे। आई मैं शुगर मिल के अधिकारी कर्मचारी और MD शुगर फेडरेशन, जिन्होंने शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से इस मिल को अगले साल के लिए दुल्हन की तरह सजा के तैयार किया, और हमें पूरी उम्मीद है कि पिछले साल से भी बेहतर ये शुगर मिल चलेगा, उससे अच्छी रिकवरी आएगी। और सरकार ने, मनोहर लाल जी ने भी किसान की सेहत का ध्यान रखते हुए इस बार 2100 करोड़ रुपए जो घाटा था, जो कि शुगर मिल नहीं दे पा रहे थे क्योंकि चीनी का भाव कम और गन्ने का ज्यादा, आज हिंदुस्तान में नहीं पूरी एशिया में गन्ने का सबसे ज्यादा भाव कहीं मिलता है तो मनोहर लाल जी की सरकार में हरियाणा में मिलता है। इससे बड़ी और कोई बात किसान, 12 अगस्त तक मैंने कहा था, अब MD वर्मा जी ने बताया कि 12 अगस्त को सब किसानों के खातों में पैसे डाल दिए गए और किसान की पेमेंट दे दनादन। 32 लाख क्विंटल की कैपेसिटी ने जो है 44-45 लाख क्विंटल पिछले साल गंडा पीड़ा, और इस बार भी अच्छे टारगेट, अच्छे मुहूर्त और अच्छे एक इच्छा शक्ति को लेके हमारे कर्मचारी अधिकारी, MD शुगर मिल, MD शुगर फेडरेशन, जितने हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। महम 24 अठगामा के योद्धाओं की तरफ से, किसानों की तरफ से, शमशेर खरकड़ा का इन सबको सलाम।